नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और जनरल करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉप 30 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जो कि विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ है। फ्रेंड्स, सारे ही क्वेश्चन सिलेक्टेड है और आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, तो वीडियो में अंत तक आप बने रहे और वीडियो के लास्ट में आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन रखा गया है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, 30 क्वेश्चन में से आपको जितने का भी राइट आंसर पता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं और वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपने कितने राइट आंसर्स दिए हैं। और यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 जोड़ी। मकड़ियों में 4 जोड़ी यानी 8 आँखें होती हैं, ये आपको याद रखना है। और मकड़ियाँ आर्थ्रोपोडा संघ की प्राणी होती हैं और मकड़ियाँ ग्रंथियों के स्त्राव से जाल बनाती हैं, तो आप ये भी याद रखेंगे। और मकड़ियों के अध्ययन को एरेकिनोलॉजी कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इन्हें याद रखेंगे। फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। तो भारतीय रेल का स्लोगन है राष्ट्रीय जीवन रेखा, यानी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन ए। और इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, 25वें। जो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, यह 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और यदि बात करें हम इनके पहले कौन थे, तो इनके पहले थे उर्जित आर पटेल, जो कि 24वें नंबर के गवर्नर थे। और यदि बात करें कि हम आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे ओसवॉर्न स्मिथ। और यही बात करें हम आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर की, तो यह थे सीडी देशमुख। और देशमुख जी का पूरा नाम है चिंतमान द्वारकानाथ देशमुख है। और यही बात करें हम आरबीआई की स्थापना दिवस की, कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, तो आप इसे याद रखेंगे। और यदि बात करें हम इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, तो आप ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में नेपाल की नर्तकी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है और उनका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है कि जो नेपाल की नर्तकी हैं, इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है और उनका नाम क्या है, तो इनका नाम है वंदना, यानी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन ए। और इन्होंने कुल 126 घंटे, कितना, 126 घंटे लगातार डांस करके यह खिताब अपने नाम करा लिया है, तो फ्रेंड्स आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में मानवाधिकार पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया। तो जो मानवाधिकार पुरस्कार है 2019 का, इससे अब्दुल अजीज मोहम्मद को सम्मानित किया गया है, यानी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी। और यदि बात करें हम मानवाधिकार की, कि यह दिवस कब मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देश तथा उनकी मुद्रा के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी, स्वीडन मार्क। और यहाँ पे जो स्वीडन की मुद्रा है, यह क्रोन है, तो आप इसे याद रखेंगे, क्या है, क्रोन। और इंग्लैंड की पौंड है, ये भी याद रखेंगे, वेटिकन सिटी लीरा, और साउथ अरब की रियल, तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूना पत्थर, चाक और संगमरमर किसके विभिन्न रूप हैं। तो फ्रेंड्स, जो चूना पत्थर, चाक और संगमरमर है, यह कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं, यानी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी। और यदि बात करें हम कैल्शियम कार्बोनेट के रासायनिक सूत्र की, तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में गौतम गंभीर किस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। तो जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, इसमें गौतम गंभीर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, यानी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, और इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुनामी शब्द का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो सुनामी शब्द का उद्गम हुआ है जापान से, यानी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी। और बात करें हम सुनामी शब्द की, तो सुनामी है जो है, यह जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदरगाह, लहरें, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में इंदिरा गृह ज्योति योजना किस राज्य की सरकार ने चालू की थी। तो जो इंदिरा गृह ज्योति योजना है, यह मध्य प्रदेश सरकार ने चालू की थी, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यह जो योजना है, यह उचित दाम पर बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना संबल योजना के स्थापन पर लाई गई, तो आप इसे याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जो तीनों गोलमेज सम्मेलन है इसमें भाग लेने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन है। और यही बात करें हम महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो कि लंदन में हुआ था, तो आप इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश के पास कोई भी नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है? और फ्रेंड्स ये आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन सी, जापान देश। जापान देश के पास कोई भी नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है, और क्यों नहीं है इसके पीछे एक कारण है, कारण है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अगस्त 1945 में, कब? अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे, और इन परमाणु बम हमले से वहाँ पर भीषण तबाही हुई थी, और इसी तबाही को देखकर जापान ने परमाणु बम विकसित करने के सभी नाभिकीय कार्यक्रमों से परहेज कर लिया गया था, इसीलिए जापान में नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है, तो आप इसे याद रखेंगे और ये कारण भी याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 14 है, मीठी क्रांति योजना का संबंध किस राज्य से है? तो मीठी क्रांति योजना का संबंध झारखंड राज्य से है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और इस योजना का उद्देश्य है मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना, और इस योजना में मधुमक्खी पालन पर 80% सब्सिडी सरकार देगी। कितना? 80% सब्सिडी है जो सरकार देगी, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा कब? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है जो हेली धूमकेतु है या कब पुनः कब दिखाई देगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन सी, 2062 में। तो जो हेली धूमकेतु या 2062 में पुनः दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हेली धूमकेतु है यह 76 वर्षों, कितने 76 वर्षों के अंतराल के बाद दिखाई देने वाला धूमकेतु है, जिसे पुच्छल तारा भी कहा जाता है, और इसको अंतिम बार 1986 में देखा गया था। कब देखा गया था? 1986 में, और अब पुनः यह 76 वर्ष बाद 2062 में देखा जाएगा, तो इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में आसियान शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ किया गया था? तो जो आसियान शिखर सम्मेलन 2019 है यह थाईलैंड में किया गया था, यानी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन ए। और यही बात करें हम आसियान के फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशन, तो आप इसे याद रखेंगे। और यही बात करें हम आसियान के स्थापना दिवस की, तो इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई। और बात करें हम इसके HQ की, तो इसका HQ है जकार्ता इंडोनेशिया में, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, नागालैंड। जो नागालैंड राज्य है इसकी राजभाषा अंग्रेजी है, और भारत में नागालैंड और मेघालय दोनों राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो आप नागालैंड के साथ साथ मेघालय भी एक ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व रैंकिंग के हिसाब से छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी, बेंगलुरु। जो विश्व रैंकिंग के हिसाब से छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर है बेंगलुरु, और अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च करने वाला बेंगलुरु भारत का पहला शहर है, तो आप इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन सी, 1973 को मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया, और यह 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य की स्थापना हुई थी, तो आप ये याद रखेंगे कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 को। तो ये इम्पोर्टेंट है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कर्नाटक राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य की स्थापना हुई थी, और स्थापना के समय इसको स्टेट ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता था, तो आपको याद रखना है, लेकिन वर्ष 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, म्यांमार किसका नया नाम है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन सी, बर्मा, और बर्मा का नया नाम है म्यांमार, तो आप इसे याद रखेंगे। और यही बात करें हम श्रीलंका का, कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो श्रीलंका का पुराना नाम है सीलोन। और यही बात करें हम थाईलैंड की, कि थाईलैंड का पुराना नाम क्या है, तो यह स्वर्ण भूमि इसका पुराना नाम है, तो आप इसे याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई रसगुल्ला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की प्रसिद्ध मिठाई है यह रसगुल्ला और इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन है माउंटबेटन योजना। और कब हुआ था? तो 1947 में हुआ था, आपको ये भी याद रखना है। 1947 में भारत एवं पाक विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, मोहम्मद जिन्ना ने भारत में कहाँ पर घर बनवाया था? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन सी मुंबई। जो मोहम्मद जिन्ना है इन्होंने भारत में मुंबई में घर बनवाया था, और जो मोहम्मद जिन्ना है यह पाकिस्तान के संस्थापक हैं, तो आप इन्हें याद रखेंगे। और इन्होंने 1936 में, कब? 1936 में मुंबई में जिन्ना हाउस के नाम से घर बनवाया था, तो आप इसे याद रखेंगे। और फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 है, चंद्रयान मिशन 2 के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर किसे बनाया गया था? तो चंद्रयान मिशन 2 के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया एम वनीता और रितु करीधल, यानी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन डी। ए और बी दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चंद्रयान मिशन 2 को कब लॉन्च किया गया, तो चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई कब 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च किया गया था। और यह 2:43 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 25 है, वाटरलू कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन डी बेल्जियम में। जो वाटरलू है यह बेल्जियम में स्थित है, और यह एक बेल्जियम का यह एक कस्बा है जो जहाँ वाटरलू का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। और जो वाटरलू का युद्ध है यह 1815 में लड़ा गया था, कब? 1815 में लड़ा गया था, और यह नेपोलियन का अंतिम युद्ध था, तो आप इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडमिरल करमबीर सिंह। जो वर्तमान में नौसेना के प्रमुख यह एडमिरल करमबीर सिंह हैं, और यह 24वें नौसेना प्रमुख हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन सी अग्नाशय। मानव शरीर में अग्नाशय रक्त की शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक्यूपंक्चर क्या है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है जो एक्यूपंक्चर है यह क्या है, और राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन सी चिकित्सा की प्राचीन चीनी प्रणाली है। जो एक्यूपंचर है या एक चिकित्सा की प्राचीन चीनी प्रणाली है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन है बराक ओबामा। और जो यह बराक ओबामा है यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति है, और यही बात करें हम डोनाल्ड ट्रंप की, तो यह अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, तो आप इन दोनों को ही याद रखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस पुरस्कार को एशिया का नोबल पुरस्कार कहा जाता है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसे एशिया का नोबल पुरस्कार कहा जाता है, और यह पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखित कार्य करने के लिए दिया जाता है, तो आप ये याद रखेंगे। और अगर बात करें हम के 2019 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की, तो 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया है रवीश कुमार जी को दिया गया है, तो आप इसे याद रखेंगे। आज का वीडियो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए चैलेंजिंग होगा। तो आज का आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन है, रावलपिंडी एक्सप्रेस किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो फ्रेंड्स आपके सामने चार ऑप्शन है, जो भी इसका राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे ढेर सारा लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।